बुरहानपुर जिले में कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान पत्नी और पुलिस से प्रताड़ित होकर एक व्यक्ति ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। यह देखकर प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि जिले के कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई शिविर में एडीएम को अपनी समस्या की शिकायत देने के बाद बाहर बैठे व्यक्ति ने अचानक अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और आग लगाने की कोशिश की। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने पेट्रोल की बोतल उससे छीन ली व पीड़ित मोहम्मद जफर ने पत्नी और पुलिस पर आरोप लगाया कि पत्नी द्वारा दहेज प्रताड़ना का झूठा केस लगाकर मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं इस मामले में एसएसपी अंतरिम सिंह कनेश ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए आदेश थाना प्रभारी को दिए गए हैं। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। हाँ, ये मोहम्मद जफर है जो चंद्रकला का निवासी घनपति थाना क्षेत्र में पड़ता है। इसकी पत्नी ने इसके खिलाफ पूर्व से ही 2020 में कोई प्रकरण दर्ज करा रखा है जिसमें ये दोष मुक्त भी हुआ है। इसकी पत्नी बार बार थाने आती है, बता रहा है कि बार बार थाने आकर मेरे खिलाफ में झूठा प्रकरण दर्ज कराती है। इसका ही कहना है कि कहे अनुसार झूठा प्रकरण दर्ज कर दिया गया है और पुलिस इसको ढूंढ रही है।